अब चलिए देखते हैं, दूसरी इनिंग चालू हो चुकी है यहाँ पर। देखते हैं पहला ओवर कौन डालता है। दूसरी इनिंग चालू हो चुकी है यहाँ पर, सब लोग फील्डिंग करने के लिए आ चुके हैं, सारे फील्डर। और ये कप्तान फील्डिंग लगाता है। पहला ओवर शिवम तिवारी के ओवर से जाएगा। पहला ओवर मतलब कि पहला ओवर शिवम तिवारी जाएंगे। और ये श्रीपाल अंकल खड़े हैं, ये देखिए बगल में, फील्डिंग करेंगे अच्छी है। आज इनका पहला मैच है, अच्छा खेलते हैं। और ये देखिए दूसरी इनिंग चालू हो चुकी है यहाँ पर। अब देखते हैं, ये सीएम तिवारी अपनी पहली बॉल डालने के लिए रेडी हो चुके हैं, बस बैट्समैन रेडी हो जाए बस। ये सब फील्डर चेयर अप करते हुए सीएम तिवारी अपनी पहली बॉल डालते जा रहे हैं, डालने जा रहे हैं। और ये देखते हैं क्या करते हैं सीएम तिवारी। ये पहली बॉल सीएम तिवारी के हाथ से ये डाली है सीएम तिवारी ने, और इन्होंने डिफेंस किया है। एक पहली बॉल डाली है इन्होंने और हल्के हाथों से डिफेंस किया है। और देखते हैं अगली गेंद करते क्या है सीएम तिवारी, कहाँ पे डालते हैं। और ये बैट्समैन अगली गेंद करते क्या है, ये है स्ट्राइक पे। और अगली गेंद ये हल्के से करना चाहते थे, एक रन चुराना चाहते, सीधा फील्डर के हाथों में चली गई है बॉल, कट करना चाहते थे ये। एसीएम तिवारी अपनी तीसरी गेंद बैक फुट पंच किया है और सीधा शमीम अहमद के हाथों में आई है बॉल। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जो कि यहाँ पे शिवम तिवारी। और ये स्ट्राइक पे ये अपनी अगली गेंद इन्होंने उठा के मारना चाहता था सीधा कीपर के हाथ में, पुल करना चाहते थे ये, पुल करना चाहते थे ये, सीधा कीपर के हाथों में। सीएम तिवारी जो कि अच्छी बॉल डाल रहे हैं। अगली गेंद ये डालने जा रहे हैं, अगली गेंद और ये क्या 4 रनों के लिए। देखते हैं सीएम तिवारी अच्छी बॉल डाल रहे हैं, अब क्या करते हैं, इन्होंने रन अप ले लिया है। ये हल्के हाथों तो डिफेंस किया, इनकी बहुत अच्छी बॉलिंग आ रही है। और ये श्रीपाल अंकल अच्छा जो के खेलते हैं, ये फील्डिंग कर रहे हैं। और सब देखिए फील्डर लगे हैं, और ये श्रीपाल अंकल फिर से देखिए हमें देख रहे हैं। अब देखते हैं अगली बॉल शिवम तिवारी की, ये अगली गेंद ये हल्के हाथों से कट किया है और ये सीधा इनके हाथों में। बेल फील्डिंग यार, बेल फील्डिंग, सब लोग बोल रहे हैं इनको, अच्छी फील्डिंग जो कि किया है श्रीपाल अंकल ने। और ये 26 ओवर हो चुके हैं, अभी भी कैच आउट हुए हैं। और ये सत्यम साहू बॉलिंग कर रहे हैं, अभी डीवीडी लीग की जो दूसरी टीम है उसके 4 विकेट गिर चुके हैं।
27वां ओवर चल रहा है और ये मुकुल चौधरी आ गए बॉलिंग करने, जो कि 5 विकेट खोकर जो है दूसरी टीम 26 ओवर 117 बॉल बनाकर खेल रही है टीम और एक कोई रन नहीं मिला है और ये इनकी तीसरी बॉल जा रही है अभी। इसके बाद सत्यम साहू आएंगे बॉलिंग करने, 5वीं बॉल मिसफील्ड हुई। सत्यम साहू आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और ये 4 रन के लिए। और ये दूसरी बॉल सत्यम साहू सिंगल लेते हुए अमरचंद निषाद बॉल पकड़ते हुए। उम्मीद जताई जा रही ग्लोबल स्टार क्रिकेट के जीतने की संभावनाएं बन रही हैं जिस तरह से बॉलिंग चल रही है। सत्यम साहू बॉल रोकते हुए और यहां पे कोई रन नहीं मिला। लास्ट बॉल कोई रन लेने का मौका नहीं। और ये बॉलिंग करने आए हैं शिवम तिवारी, जो कि टीम के कप्तान भी हैं और अच्छे बॉलर हैं ऑलराउंडर। कोई रन नहीं मिला इनको। शिवम तिवारी दूसरी बॉल, इस बार भी कोई रन नहीं मिला इनको। तीसरी बॉल डालने जा रहे हैं शिवम तिवारी जी। इस बार भी कोई रन नहीं मिला। शिवम तिवारी और ये लास्ट बॉल शिवम तिवारी इस बार भी कोई रन नहीं मिला इनको। स्कोर जा पहुंचा है 30 ओवर 128 रन।
और ये बहुत तेज से मारा है 4 रनों के लिए। सत्यम साहू और इनको 1 रन मिल गया अभी।